उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वाल्मीकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर बेतिया हाता में आज एक अलग माहौल देखने को मिला। गोरखपुर के बेतिया हाता में स्थित हनुमान मंदिर में जिले के आला अधिकारी, जिसमें मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, CDO सहित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने श्रद्धा भाव से पूजन और अर्चन किया। साथ ही मंदिर में बैठकर वाल्मीकि रामायण का एक अध्याय भी सुना। मंडलायुक्त जयंत नार्लीकर ने बताया कि राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने के साथ साथ उनके किए गए कार्यों को अगर ध्यान में रखा जाए तो सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं, और आदि कवि इसलिए कहते हैं कि जो रामायण की रचयिता है वो महर्षि वाल्मीकि है, और ये एक बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए हर वर्ष उनकी वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। और इस बार वाल्मीकि जयंती शासन के निर्देश के क्रम में इसका हर जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, और उसी के क्रम में गोरखपुर जनपद में भी ये प्रयास किया गया है कि हम इस जयंती के माध्यम से उनको एक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, और जो रामायण जैसे ग्रंथ के रचयिता हैं, हम जो रामायण के माध्यम से जो एक नीति की, एक मर्यादा की शिक्षा हिंदू धर्म को मिलती है, उसको हम पुनश्च याद करें और देखें कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी में उन मर्यादाओं का, उन सीखों का कितना पालन कर रहे हैं। पुनश्च आपके माध्यम से मैं वाल्मीकि जयंती पर सभी को शुभकामनाएं। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive 24 News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।